आप कहाँ के रहने वाले हैं? सूरत से रहने वाले हैं। आप बताइए थोड़ा सूरत से रहने वाले क्या प्रॉब्लम थी मैं सर ये चल के आई हूँ ना ये प्रोडक्ट का ही कमाल है अब ये चल के आई हूँ ऐसे बस दिल से बोल रही हूँ आपने बताया ना प्रोडक्ट का ही पावर है मैं ये इस कंपनी में प्रोडक्ट से ही जुड़ी हुई हूँ अच्छा आप चल के आई है पहले आप, पहले आप चल नहीं सकते थे चल ही नहीं सकते थे दवाई खा के ही थे तो अभी, अभी बिना दवाई के अपने ये थंडर ब्लास्ट ओम योर क्या बोल रहे हैं ऑर्थोडॉन्ट थंडर ब्लास्ट और इम्यूनोडॉन्ट थैंक यू आप बताइए आप सूरत से पक्का ना सूरत से आपने पैसे तो नहीं दिए बोलने के लिए नहीं नहीं ऐसे भी करते हैं आजकल कंपनी वाले झूठे चेक दिखाएंगे झूठे पैसे दिखाएंगे झूठी अचीवमेंट दिखाएंगे लेकिन अपन प्योर हैं इनके घर जाके पता कर लेना आप बताइए मेरा नाम किरण सावज है और मैं अमरेली से बिलोंग करती हूँ और मेरे पैरों में दर्द था तीन बार ऑपरेशन हुआ मेरा तीन बार ऑपरेशन हुआ आ, तीन बार अभी भी प्लेट है मेरे पैर में प्लेट है आ। पर मुझे इस कंपनी में जो प्रोडक्ट थी आपने बनाई उसने रिजल्ट दिया और आज मैं यहाँ पर इसकी वजह से खड़ी हूँ कैसी ताली होनी चाहिए अगर मेरा पैर है आज तो इस कंपनी की वजह से इस प्रोडक्ट की वजह से है और अब मैंने और थो और थंडर ली थी थैंक यू मैडम थैंक यू सच बोल रहे हो ना हेलो सर नमस्ते मेरा नाम ठाकुर स्मिता है मैं अहमदाबाद से हूँ मुझे डायबिटीज पांच साल से है आ, लेकिन 700, सौ सात सौ साढ़े सात रहता था मेरा डायबिटीज अभी डायब थैंक यू मैडम साढ़े सात सौ डायबिटीज का मतलब है बिल्कुल भगवान के घर पहुंच जाना साढ़े सात सौ डायबिटीज का मतलब है सीधा भगवान का गेट खटखटा दिया था इन्होंने कोई फाइटर चला गया इनके गेट पे यमराज के और बोला चलो एक बार इधर देख लो बच गई ये ये देखिए हमारी खाला सेवनटी फोर रनिंगी एट लेडी मेरे रिश्तेदार हैं सूरत के उनका कैंसर का रिजल्ट लिया मैंने सेवनटी फोर हमारी खाला की रनिंग है एज अठासी साल की इनकी रिलेटिव है उनको कैंसर था उसमें प्रोडक्ट दिए क्लोरोडॉक और सोट थर्टी दी तो 8 दिन में 8 दिन में उनका जो अरे इस पर तो खड़े होके ताली होनी चाहिए यार खड़े होके खड़े होके ताली होनी चाहिए 8 दिन में लोई बंद हो गया जो ब्लीडिंग की गांठा गिरती थी उनके और सर आंतर के ऊपर अंदर गांठ थी आठ दिन में बंद हो गया लोई बंद हो गया। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। सलाम। नमस्कार दोस्तों मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ और जमाली सरकार की टीम से और सबसे पहले मैं अपने गुरुजी का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ थी गुरुजी बाद में आएंगे दिल, दिल में सुराख था बच्चे दिल में सुराख था बच्चे को किसके बच्चे को हमारे सामने ही रहती थी तो मैं अपने वो संकुच प्लाजा में अपना सेमिनार होता है तो मैं वहाँ रिजल्ट लेके भी आई थी साबुत के साथ तो फिर मैंने मेरे गुरु जी को बताया वो उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा खराब थी सर कि यानी वो चार ये पंच तुलसी भी लेने की उनकी औकात नहीं थी लेकिन वो जब खूब जोर जोर से रोने लगी कि खाला मेरे बच्चे को बचा लो तो मुझे मेरे गुरुजी पे इतना ज्यादा भरोसा था कि मैं खुद कुछ कह नहीं सकती इतना भरोसा मुझे था फिर मैं अपने गुरु जी के पास लेके गई लेकिन वो बच्चा मात्र आठ महीने का था तो उसमें हमारे गुरु जी भी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मुझे ये पता नहीं था कि आठ महीने के बच्चे को अपनी प्रोडक्ट दी नहीं जाती है तो जब मेरे गुरु जी मुझे मना किए तो मुझे ऐसा यानी अंदर से विश्वास था कि अगर मेरे गुरु जी अगर सिर्फ एक बार हाँ बोल दे तो मैं सिर्फ पंच तुलसी दे के इस बच्चे को ठीक कर सकती हूँ तो मेरे गुरुजी बोले कि जिद करने लगती हो जाओ मैं नहीं जानता हूँ कुछ डांटे हैं मुझे मैं रोने लगी फिर मैं घर चली आई फिर उसके बाद में मेरे गुरु का तहे दिल से मैं इंतजार कर रही थी पूरी रात में इंतजार करी कि ताकि उनका फोन आ जाए और सुबह जैसे ही हुई मेरे गुरु का फोन आया मेरे पास उन्होंने बोले कि आप उस बच्चे को लेकर आ जाओ तो बोले आपको ऐसा लगता है कि ठीक कर दोगे मैंने बोली आपकी दुआ मेरे साथ है तो फिर मैं हाँ ठीक कर सकती हूँ तो फिर उन्होंने बोले कि जाओ पंच तुलसी दे दो और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो सिर्फ पंच तुलसी उसको दिया और मैंने बताया क्योंकि उसमें खुशबू आती है तो बच्चे पी नहीं सकते पानी में मिला के तो मैंने उनको बताया कि दो टीपा सवेरे डालने का मुँह में और दो टीपा दोपहर में और दो टीपा रात को अल्हम्दुलिल्लाह दो महीने के अंदर उन्होंने चेकअप करवाए और रिजल्ट एकदम जबरदस्त आया दिल का सुराख अच्छा हो गया दिल का सुराग अच्छा हो गया अब देखो ये प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाए मैं कभी झूठ नहीं बोलता ना दिल के सुराग के बनाए ना कैंसर के बनाए बस बाबा महाकाल का कमाल है भगवान जाने क्या कर रहे हैं वो <laughs> पर ये जो बनाया दिल से बनाया है तो कोई भी प्रोडक्ट कहीं भी रिजल्ट दे देता है और मैं अपने संजीव सर का बहुत तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी जबरदस्त प्रोडक्ट बनाई है और हमारा पंची दो बूंद जिंदगी के पीते जाओ और जीते जाओ। थैंक यू आपको आपको आया है? का। अभी फिलहाल मुझे मैं बटवे अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ जमाली सरकार की टीम से हूँ और अभी मैंने खुद अपने हस्बैंड का रिजल्ट लिया है और उन्हें डायबिटीज साढ़े चार सौ पाँच सौ हो गया था और बीपी पी ढाई सौ से ऊपर होती थी तो उनको खींच आ गई और बोले डॉक्टर मगज का लकुआ हो गया है तो मगज का लकुआ हो गया तो हम एल हॉस्पिटल ले गए और जमाली सरकार को बता के ले गए फिर वहाँ डॉक्टर आवे तो गुजराती में बोले बहन तबें आशा रख जो नहीं इलाज का कर रहे हैं लेकिन बचा नहीं पाएंगे तो मैंने बोली जी आप इलाज करो फिर वो आई सी वन में रखे टू में रखे थ्री में रखे और पता नहीं फिर ऐसे रखे बीस दिन के पंद्रह दिन में मुझे रजा दिए और बोले आशा रखना नहीं डॉक्टर बोला अब एक औरत से उसके हस्बैंड के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात होगी अगर डॉक्टर मना कर देगा तो तो मैं रोने लगी फिर मैंने मेरे जमाली सरकार को बोली कि सरकार ऐसा बोल रहा फिर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिए तो मुझे पता चल गया कि डॉक्टर बोल रहा है कि मगज की नस ब्लॉक हो गई है दिमाग में खून पहुँच नहीं पा रहा है इसलिए मैं उन्हें बचा नहीं पाऊंगा तो मैंने बोली ठीक है फिर थोड़ा सही हुए फिर पंद्रह दिन में उनको रजा मिली और मैं जमाली सरकार के पास गई उन्होंने मुझे प्रोडक्ट बताया ये जमाली सरकार कौन है भाई ऊपर आओ। फिर उन्होंने दिया और थंडर ब्लास्ट दिया और ब्रेन डॉग और ऐसे नोनी डॉग ये सारे आपके पति के लिए डॉक्टर ने कहा कि ये अब दुनिया से जाएंगे जाएंगे गए नहीं, नहीं। बस आपका शुक्र गुजार हूँ संजीव और मेरे जमाली सरकार की मैं तहे दिल से वाँ वाँ जमाली सरकार जी वाह मजा आ गया ऐसे अच्छे लोग ये लोग दिल से देते होंगे दिल से कोई भी चीज दी जाती है तो ऊपर वाला सुनता है आज आपके पति ठीक है अलहमदुल्ला जब भी मैं यहाँ आ सकी और उन्होंने मुझे खुद यहाँ भेजा कि जा तू काम भी कर और आगे भर डायमंड बन के दिखा ये बताओ मुझे <laughs> अब ये बताओ कई लोग बोलते हैं एस में ये है हम ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा कंपनी से लोग चले जाएंगे ये चले जाएगा, ये जाएगा लोग जाएंगे अरे इनकी आखिरी जाएंगे जिनको जिंदगी देती है एसलीपीएस वो कभी छोड़ के नहीं जाएंगे जीते जी और मरने के बाद भी एसलीपीएस के रहेंगे तो। महत्वपूर्ण बात ये मैं खुद एक रिजल्ट हूँ मैंने तो अपना रिजल्ट अभी बताया ही नहीं मुझे मानसिक था मानसिक यानी समझ में नहीं आता तो मानसिक और डिप्रेशन की गोली और नींद की गोली और मैं दो साल कंटिन्यू मैंने ली हूं। उसके बाद में सिर्फ ओनली फॉर सरकार बोले कि तुम तुलसी पियो तो मैंने बोली मेरे पास पैसे की नहीं मैं तुलसी ले नहीं सकती सरकार तो सरकार बोले मेरी सुनती कहा हो तुम मैं बोल बोल करता हूँ थक गया हूँ लेकिन पियो तो मैंने बोली अच्छा ठीक है सरकार फिर आप दे दीजिए तो उन्होंने मुझसे पैसे भी नहीं लिए और तुलसी दिए तुल तालियां बजा दो इनके परिवार के लिए आपकी एज क्या है मेरे एज पैतीस चालीस साल की मेरी एज है मैं मीर कश्मीर हूँ हेजलपुर जुआपुरा से बिलोंग करती हूँ और फिर दस मैडम के टीम से हूँ और यहाँ खुद मेरा खुद का है रिजेट है मेरे को खुद को मेरे मेरे घर में शादी थी आठ दस दिन बाकी थे और मेरी कमर बराबर की अटक गई थी फिर डॉक्टर ने किया नहीं वे तुम्हारे को कुछ ना कुछ अब इंजेक्शन देना पड़ेगा पड़े। कर वो करना पड़ेगा क्यों जाओ दवा खाने जाओ मैंने थोड़ा चालू करी और काशी डॉग चालू करी ठंडा ब्लस्ट ठीक हो गया एकदम रेडी हो गए भारत माता की

थैंक यू अरे बहुत है बहुत रिजल्ट है चलो 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 चलो